गावणी स्टूडियो के शनिवार विशेष कार्यक्रम द रियल हीरो कार्यक्रम में आप सभी लोगों का स्वागत है। ये द रियल हीरो कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य होता है ग्रास रूट के ऊपर काम करने वाले ऐसे रियल हीरो जिन्होंने अपनी मेहनत और काबिलियत के बेस के ऊपर एक नया मुकाम हासिल किया है। आज हम मुर्गी फार्म हाउस के रूप में एक तरीके से जो फार्मर है उसने कैसे अपने आप को सशक्त बनाया, सशक्त बनाने के साथ साथ आज वो आर्थिक रूप से सुदृढ़ बन पाए हैं। आप देख रहे हैं पीछे ये जो उनका मुर्गी फार्म हाउस है, हम यहाँ बानसूर के आलमपुर के पास में सरदार सिंह की जो ढाणी है उसमें आज हम जो फार्मर हैं हजारीलाल जी के फार्म हाउस के ऊपर हम हैं और यहाँ पर इनके द्वारा किस प्रकार धीरे धीरे एक छोटे शेड से आरंभ किया गया जो इनका व्यवसाय था वो आज बढ़कर एक बड़े दो शेड के रूप में संचालित हो रहा है। यहाँ ना सिर्फ ये इन चूजों से किस प्रकार अलग अलग तरीके से 40 से 45 दिन तक ये एक बैच तैयार कर और अपनी आमदनी को बढ़ाने के साथ साथ ये लोगों को एक तरीके से आदर्श भी बन रहे हैं और इन्होंने संघर्ष के बदौलत कैसे एक मुकाम हासिल किया, इसी तरह की जीती जागती कहानियों को हम गाँववाणी स्टूडियो के माध्यम से प्रत्येक शनिवार आप लोगों के पास लेकर आते हैं। तो चलिए हम इसी प्रकार की कहानी जो हजारीलाल जी की है उसे हम आप लोगों के साथ रूबरू कराते हैं। मेरा नाम हजारीलाल आर्य है, मैं इसी गांव के आलमपुर का रहने वाला हूं और ये जो जमीन है यहां बैठ रहे हैं ये भी मैंने खरीदी हुई है आज से लगभग 10-12 साल पहले। जब मैंने ज़मीन खरीदी तो मैंने सोचा कि ज़मीन में इतना पैदा नहीं हो सकता जिससे कि अपने परिवार का गुजारा हो सके, तो मैंने एक दिमाग में एक बात सोची कि क्यों ना एक पोल्ट्री फार्म छोटा सा बना लिया जाए। तो सबसे पहले मैंने यहाँ से और ये गेट है ये छोटा सा फार्म बनाया, इसमें मैंने 2500 चूजे मंगवाए। चूजे जैसे हरियाणा से आते थे या अपने दिल्ली या गुड़गांव से जहाँ भी हैचरियाँ होती हैं वहाँ से मैंने संपर्क साधा और वहाँ से मैंने चूजे मंगवाना शुरू किया। तो शुरू प्रथम जो है हल्की परेशानी मुझे आई, जैसे सर्दी में भाई किस तरह से इनका बचाव किया जाए या गर्मी में हम क्या करें, तो ये चीज़ें शुरू में हमें मालूम नहीं था। तो ये मैं इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि जैसे अब भविष्य में कोई आगे अगर पोल्ट्री फार्म करना चाहता है तो वो इन चीज़ों को ध्यान में रखे और वो परेशानी जो मुझे आई थी उन मेरे किसान भाइयों को ना आए। तो छोटे चूजे आते हैं 35 से 40 ग्राम वेट होता है चूजे का। अब उसको सबसे पहले आते ही एक बिल के ऊपर लिखा होता है वैक्सीन डन या नो वैक्सीन। वैक्सीन होता है जैसे बच्चे को वैक्सीन होता है इसी तरह से इनको वैक्सीन होता है। अगर वैक्सीन होकर के आया है बच्चा तो उसको पता लग जाता है गर्दन में। मैं सभी किसान भाइयों को भी देखना बताना चाहूँगा कि गर्दन में लगता है इसके वैक्सीन का इंजेक्शन। अगर वो गर्दन में पीला पीला सा है उसको देखे किसान भाई जैसे प्राइवेट जो काम कर रहे हैं, अगर वैक्सीन का ले दिया 50 पैसे एक वैक्सीन के लगते हैं एक बच्चे के, अगर पैसे मान लो उससे ज़्यादा ले रहे हैं हैचरी वाले और वैक्सीन नहीं करा तो तुरंत उसकी शिकायत उस हैचरी वाले से करनी पड़ेगी। अगर वैक्सीन है तो नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम। इसके तत्पश्चात आते ही सबसे पहले गर्मी के टाइम में इलेक्ट्रोल दिया जाता है इनको ताकि पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिए, हाँ डिहाइड्रेशन ना आए। और सर्दी में गुड़ भी दे सकते हैं। और जैसे बारिश का मौसम है इसमें तब्दीली होती रहती है, इसमें चीनी भी डाल सकते हैं। और गर्मी में गुड़ नहीं देना चाहिए। तो जब ये बच्चा हो जाए कि भी अब ठीक है, तीसरे चौथे दिन या 5वें दिन इनमें एक वैक्सीन और होता है, वो आई वैक्सीन होता है, आँख में डाला जाता है। कई आदमी क्या करते हैं कि पानी में पिला देते हैं। तो वैक्सीन का क्या होता है कि वैक्सीन में 3 से 8 सीसी तक टेम्परेचर होना चाहिए। अगर वो 10 और 11 में पहुँच गया ज़्यादा टेम्परेचर हुआ तो उसका हाँ ख़त्म हो जाती है वैक्सीन। हमने सोचा कि हम कह रहे हैं कि वैक्सीन कर दिया लेकिन हमारे चूजे में बीमारी कैसे आ गई, लेकिन वो वैक्सीन तो हुआ ही नहीं, हमने कर दिया लेकिन कामयाब नहीं हुआ। तो ये ख़ास ध्यान रखने वाली बात है।
उसकी बर्फ़ में ही जैसे एक ड्रॉप होता है तो एक लिक्विड आता है इसमें, जैसे इसको डिस्टिल वाटर बोल दो या उसका डायलोन जो होता है, डायलोन मिलाया जाता है, वो इंजेक्शन से निकाल के उसमें हल्के हाथ से हिलाओ। उसमें भी बहुत ध्यान से देने वाली चीज़ है, अगर जैसे इंजेक्शन मिलाते हैं डॉक्टर इस तरह से आप मिला दिया हल्के से, तो भी वैक्सीन खराब हो जाएगी। ये बहुत ही खास चीज़ बात है, ये किसी किसानों को मालूम उसको नहीं है। हल्के से मिलाना बिल्कुल हल्के से, उसमें कोई भी अगर ऐसे धक्का मार दिया तो वैक्सीन वहीं ख़राब हो जाएगी, गाय आपके ब्रक नहीं करना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है और ये किसी को शायद मालूम नहीं है, तो आपके द्वारा मैं संदेश सभी को देना चाहूँगा, विशेषकर वैक्सीन करते समय इस चीज़ का ध्यान रखें। हमें टेम्परेचर बहुत इसका नॉर्मली चाहिए 3.8 तक, तो हमारे शरीर में टेम्परेचर की तरह हम वैक्सीन कर रहे हैं, आई वैक्सीन कर रहे हैं, और हमारे टेम्परेचर शरीर का अमूमन 35 तक रहता है, जहाँ तक मेरा मानना है, डॉक्टर लोग बताते हैं। अगर हमने शीशी हाथ में ले ली, ड्रॉप कर रहे हैं, उठा दिया कर दिया, हमारे पास 100 ग्राम है उसके अंदर, तो 100 ग्राम की एक एक बूंद डालेंगे तो एक घंटा लग जाएगा, हमारा शरीर का टेम्परेचर उस शीशी में चला जाएगा, प्लास्टिक की होती है, तो भी वैक्सीन ख़राब हो जाएगी। ये छोटी चीज़ें हैं लेकिन बहुत बड़ी चीज़ें हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। अगर वो टेम्परेचर हमारे हाथ का उसमें चला गया तो भी वैक्सीन खराब हो जाएगी। उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, कपड़ा गीला करेंगे और उसे बोतल या शीशी जो भी ड्रॉप वाली उसके ऊपर लपेटेंगे और कपड़े को हम पकड़ेंगे ताकि हमारे शरीर का टेम्परेचर उस दवा में ना जाए। तो ये चीज़ें हमें 5 दिन के ऊपर करनी पड़ती है। ये क्यों करनी पड़ती हैं, जैसे कई खैर नाम लेना पसंद नहीं करते, एक तरह से जैसे घातक बीमारियों के नाम नहीं लेते, तो ये कुछ ऐसी डॉक्टर आप समझ रहे हैं, नहीं कोई दिक्कत नहीं, आप नाम ले जैसे सकते हैं। जैसे एक रानीखेत एक बीमारी आती है, बहुत भयंकर बीमारी है, जैसे बुम्बारू है या इस तरह की बीमारियों के लिए वैक्सीन की जाती है, ठीक इसी तरह से 8 दिन में बच्चा कम से कम 200-250 ग्राम का होना चाहिए, ये विशेषकर ध्यान देने वाली बात है। अगर एक हफ्ते में हमारा बच्चा 250 ग्राम वजन ले रहा है तो बिल्कुल नो प्रॉब्लम, कोई बीमारी नहीं है। अगर बच्चे में कम है वजन तो तुरंत उसके लिए कुछ ना कुछ ट्रीटमेंट देखना पड़ेगा कि भी इसमें ये वजह क्यों है, वेट गेन क्यों नहीं, हाँ वेट क्यों नहीं हो रहा, दाना नहीं ले रहा या पानी नहीं ले रहा। अगर पानी नहीं लेगा तो अंदर से सूख जाएगा, डिहाइड्रेशन आ जाएगा, दाना नहीं लेगा तो भी उसकी आंतें सूख जाएंगी, तो उसके अंदर क्या है, जैसे वर्ड की कोई अगर एमोरलिटी हो जाती है, मर जाता है कोई, उसको चीर के देखते हैं डॉक्टर लोग इसमें कहाँ कहाँ क्या क्या बीमारी है, तो ये डॉक्टरों का ही काम है। अगर पानी नहीं पिया है तो अंदर से बच्चा सूखा सूखा नज़र आएगा, जैसे उसकी थैली दाने की है या उसकी आंतों में है, जैसे योग नहीं कटा है, कई इस तरह से चीज़ें हैं जो देखनी पड़ती हैं, तो उस हिसाब से उनको दवाइयाँ देनी पड़ती हैं। तो ये इस तरह से करके हमने धीरे 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 1 साल तक हमने ये छोटा सा बिजनेस किया, फिर हमें कुछ प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट हुआ तो हमने इसके आगे ये वो बढ़ा दिया। अब मेरे पास ये 5,000, वैसे 7-8 का है लेकिन 5 से 6,000 बढ़ आप रखते हैं जनरली। अब इसमें हमारी 35 से 40 दिन के अंदर ग्रोथ अगर 2 किलो प्लस चली जाती है, अमूमन मान लो कि हमारा 6,000 बच्चे हैं तो 6,000 में हम 2 किलो मान के चलते हैं तो 125 क्विंटल हो गया। तो अभी तो मेरा कंपनी से है, अगर कंपनी हमें अमूमन 10 रुपये केजी भी देती है और सारा खर्चा काट के 1,00,000 रुपया हमारा लगभग 40 दिन तक आप देख रहे हैं, 40 दिन के टाइम में आप 1,00,000 रुपये नेट आपकी बचत है। हाँ अमूमन है, कभी कम भी हो जाता है, 10-20 भी, मतलब कुल मिला करके अगर हम एक औसतन लगाते हैं पर मंथ की तो 50,000 रुपये महीना एक फार्म दे देता है। इसके बाद हम फिर मैंने दूसरा फार्म बनाया, ये कब आपने, ये अभी 1 साल हो गया, 1.5 साल हो गया ये फार्म बनाया, तब दोनों फार्म बहुत बढ़िया चल रहे हैं कि जैसे गवर्नमेंट कहते हैं कि किसानों की दुगनी आय कैसे की जाए, तो मैं समझता हूँ अगर इस तरह से किसान करे तो दुगनी कैसे 10 गुना आयु किसानों की बढ़ सकती है। जहाँ ये आप सब जो देख रहे हैं ये हजारीलाल जी आर्य का एक पोल्ट्री हाउस है, CSC का ई पशु चिकित्सा का एक कैंप का आयोजन किया, यहाँ पर इन्होंने 2 बैच अभी वर्तमान में यहाँ इनके चल रहे हैं, जिसमें एक जो आप यहाँ पूरा सेट देख पा रहे हैं, एक में इनके पास में 5200 बर्ड्स हैं और एक दूसरा जो पीछे जो बना हुआ है उसमें 5100 की इनके पास कैपेसिटी है। जो मुर्गी पालन का ये जो व्यवसाय कर रहे हैं, ये पिछले 15 वर्षों से ये व्यवसाय कर रहे हैं और सालाना ये 6 बैच इससे निकाल पा रहे हैं, और अभी इनसे हुई वार्ता से ये ज्ञात हुआ है कि इनका जो शुद्ध मुनाफा है जो पर मंथ 50,000 के लगभग ये औसतन बता रहे हैं,
तो इस तरीके से हमने आज इनकी एक डॉक्यूमेंट्री मूवी भी शूट की और इन्हीं की जुबानी ये चीज़ हम चाह रहे हैं कि बाकी किसानों तक भी पहुँचे। और इसी प्रकार आपने देखा कि किस प्रकार हजारी जी ने अपने आप को मुर्गी पालन से जोड़कर और आज एक सशक्त किसान की रूप में वो अपने आप को आगे बढ़ा रहे हैं। सिर्फ आगे नहीं, वो अपने आप को सशक्त भी बना रहे हैं। इसी प्रकार की नई सफलता की कहानियों के साथ अगले शनिवार फिर आपके साथ हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए आपसे विदा चाहेंगे और इसी प्रकार आपसे गाँववाणी चैनल के माध्यम से हम निरंतर मिलते रहेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया है तो जरूर लाइक करें। धन्यवाद।